पहुंच गए हैं पंपा से आगे गमसाली गांव में, और गमसाली से निकल जाएंगे हम लोग आगे। भैया ठंड हो रही है और टाइम हो गया है 6:15 निकले थे, 7:06 हो गया है भाई साहब, तो काफ़ी टाइम लगा दिया हमने। थोड़ा सा फोटोग्राफी भी की बीच बीच में, हो सकता है इस वजह से, बाकी तो सब कुछ बढ़िया। ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और ऐसे लग रहा है कि काफ़ी तो जैकेट नहीं पहने गया, हाफ टी शर्ट है, जैकेट आ गया। बॉडी क्या ये बनाओ? हाँ, सोतर ले आओ। सोतर? हाँ। फिर उधर ये नदी है, अब इस नदी का भी नाम बाद में बताऊंगा, नहीं पता मेरे को, पता परसों तो था पर भूल गया मैं, पता नहीं गणेश नदी क्या नदी कह रहे जिसको। भेड़ू है, भेड़ जिनको भ्योरा कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, भेड़ू। अरे ये गेस्ट हाउस है, यहाँ पे 500 रुपये चार्ज है रहने का। ये यहाँ के गमसाली गांव की गेस्ट हाउस है। ये और खासियत है, जो पीछे गमसाली गांव में ITVP का कैंप था, फोटोग्राफी नहीं कर सकता हूँ, तो मुश्किल से 100 मीटर पीछे, तो यहाँ पे पहले क्या था कि जब तक नीति महादेव नहीं था, क्योंकि नीति महादेव अभी अभी मुश्किल से 1.5-2 साल पहले ही उनकी निज वहाँ पे खोज हुई है, तो वो लोकेशन पता नहीं था। तो उससे पहले क्या होता था कि यहाँ से पास लगता था, अगर आपके पास है तो ही आप ट्रैवल कर सकते हो सिविलियन, और बाकी अलाउ नहीं था। बट अभी क्या हो गया, सिर्फ लोकल नीति गांव के ही लोग जा सकते थे, और अभी क्या हो गया कि नीति तक आप लोग कोई भी हो ऑल ओवर इंडिया तो वो ट्रैवल कर सकता है। रोड की हालत थोड़ा इधर, क्योंकि पत्थर गिरते रहते हैं तो इसलिए रोड पक्की है। आगे कितना 2 किलोमीटर के बाद 3 किलोमीटर का पैच जो है बिल्कुल कच्चा ऑफ रोड है, और वो बीच में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उसके बाद फिर रोड सही है, बट वो पैच क्यों छोड़ा ये समझ नहीं है। गडकरी जी का बजट ख़त्म हो गया था या क्या हो गया था, पैच हो गया शुरू स्टार्ट ऑफ रोड, और मुश्किल से 3 किलोमीटर का पैच है ऑफ रोड का, और ये साइड से बहती है धौली गंगा, और धौली गंगा क्रॉस करेंगे। टाइम हो गया 7:14, और हम कर रहे हैं फुल क्रॉस, सुबह के 7:14 हो रहे हैं, और ये धौली गंगा। वो था पुराना ब्रिज, जब ये ब्रिज नहीं हुआ करता तो लोग पैदल नीति जाने वाले लोग इसके सहारे जाते थे, ये पैदल लोग इसके सहारे जाते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। वो है शिव मंदिर सामने, ये और इधर से ऊपर जाएंगे हम लोग, इधर से अपना नीति महादेव गुफा है, नीति महादेव जाने का रास्ता इधर से इस घाटी में, और ठीक वहाँ पे नीति महादेव बस, यहाँ पे यहीं पे जस्ट बस वहीं पे जहाँ पे वो मिट्टी गिर रही है, बस उसके नीचे नीति महादेव है। अब हम पहुँच गए नीति महादेव, आज कोई नहीं है, हम पहले भक्त हैं। गाड़ी हो गई है पार्क, और ये रहा सामने नीति गांव, और हम लोग निकल रहे हैं नीति महादेव के लिए। पार्किंग एक्चुअली वहाँ है जहाँ हम लोग ये लोग जा रहे हैं अभी,
बट बीच में थोड़ा सा गैप है, तो सोचा कि गाड़ी डाउन ना लगे इसलिए गाड़ी ऊपर पार्किंग में नहीं लेके गए। तो अभी ऊपर चलते हैं, मुश्किल से 101 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का ट्रैक है, ज़्यादा है नहीं। और ये रहा व्यू। जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ये रहा गेट और ये रहा जो सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।